सावित्री लिमिटेड ने इशू किए 50,008% डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको एक सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम पर इशू किया गया है बाय द कंपनी। यानी ये बताया नहीं गया क्वेश्चन में कि इन्हें कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू किया गया है, मगर ये जरूर बता रखा है कि ये डिबेंचर रिडीम किए जाएंगे एट 10% प्रीमियम। ठीक है बच्चों, और फिर आपको ये भी बताया गया कि जब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ किया गया तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया गया विद ₹2,00,000। ठीक है बच्चों, आपको बताना है एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर्स वर इशूड बाय द कंपनी, कि कंपनी ने इन डिबेंचर्स को कितने प्रीमियम पे इशू किया था। तो बच्चों डिबेंचर्स की जो टोटल फेस वैल्यू है पहले वो समझ लीजिए वो कितनी है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 50,000 है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है ₹100, तो टोटल फेस वैल्यू आ गई ₹50,00,000। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आप निकाल सकते हैं बिकॉज आपको उसका परसेंटेज दे रखा है कि उसे कितने प्रीमियम पे रिडीम करना है इन डिबेंचर्स को, वो है 10% ऑफ ₹50,00,000। 50,00,000 का 10% होता है बच्चों ₹5,00,000। ठीक है बच्चों, अब जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है उतना ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम होने हैं तो ऐसे में जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है उतना ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी है, जिसको हम जितना हो सके पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं और वो कम पड़ जाए तो उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें बता रखा है क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ₹2,00,000 का लॉस राइट ऑफ किया गया है। ठीक है ना बच्चों, तो लॉस हुआ है टोटल ₹5,00,000 का, जिसमें से ₹2,00,000 के लॉस को राइट ऑफ किया गया है थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाकी जो लॉस राइट ऑफ किया गया होगा वो थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम ही किया गया होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर होगी बच्चों कि टोटल लॉस हुआ है ₹5,00,000 का, जितना प्रीमियम रिडम्पशन में देना है ऑन द रिडम्पशन ऑफ दीज डिबेंचर्स, उसमें से ₹2,00,000 के लॉस को तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ किया गया है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से हम वही लॉस राइट ऑफ करते हैं जो सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं हो पाया होगा। तो इसका मतलब जितना लॉस सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ है वो है ₹3,00,000 का। तो इसका मतलब जो टोटल प्रीमियम रिसीव हुआ है ऑन द इश्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स वो है ₹3,00,000। ठीक है बच्चों, तो कंपनी को इन डिबेंचर्स के इश्यू पे ₹3,00,000 का प्रीमियम मिला है और टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स है ₹50,00,000। तो अगर आपको रेट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम जानना है तो उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को, जो कि ₹3,00,000 है, डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, ये निकल कर आएगा 6%। इसका मतलब ये डिबेंचर 6% प्रीमियम पे इशू हुए थे। अब रिडम्पशन का प्रीमियम जो है वो 10% था, तो अंडरस्टूड है कि कंपनी का प्रीमियम आएगा कम लेकिन प्रीमियम लौटाना पड़ेगा ज़्यादा। तो जितना प्रीमियम लौटाना है उसमें से 3,00,000 तो कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम और बचा हुआ 2,00,000 राइट ऑफ किया थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये रेट ढूंढ के निकाला है। ये अमाउंट हम बड़ी आसानी से निकाल सकते थे प्रीमियम रिडम्पशन का, जो 10% हमें दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल फेस वैल्यू डिबेंचर्स में पता थी, उसका 10% निकाल के हमने बता दिया कि वो 5,00,000 है और जिसमें से 2,00,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ किया है, तो बाकी 3,00,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई पुराना बैलेंस है नहीं, इसका मतलब ये जो 3,00,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो इन्हीं डिबेंचर्स को इशू करके आया होगा। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट पता है, डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू पता है,
तो हम बता ही सकते हैं कि हमने डिबेंचर्स को कितने प्रीमियम पे इशू किया होगा, कितने रेट ऑफ प्रीमियम पे, ठीक है, इशू किया गया होगा। बड़े आसानी से ढूंढ लिया, टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम अपॉन टोटल फेस वैल्यू इंटू 100। और ये आंसर जो है बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी का आंसर 6% है।